जी हाँ दोस्तों, ये तो बात है कि ये आज का टॉपिक मैं सोच रहा था कि यार कनाडा आने के बाद एक लोगों की जहन में होता है ना कि यार कनाडा जाने के बाद आदमी जो है कैसा हो जाता है पैसे रुपये से। मेरा मतलब है पैसे रुपये से लाइफ कितनी बदल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ है, इंडिया में अगर आप जॉब करते हो ना, तो अगर 10-12 हज़ार 15 हज़ार की जॉब है तो अच्छे टाउन शहर में अगर आप रह रहे हैं, रूम रेंट 5-6 हज़ार का लगा लीजिए, बाल बच्चे परिवार हैं, पढ़ने खाने का, तो आप अच्छे से खा सकते हैं, कुछ सेविंग नहीं कर सकते हैं उसमें। कुछ अगर आपको ज़रूरत अगर पड़ गया, तबीयत तबीयत ख़राब हो गई, तो उसमें एक अलग ही आपको झेलना पड़ जाएगा। कनाडा आने के बाद यहाँ की नहीं अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार होता है, ये बातें पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए एक चीज़ है, अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं ना, तो सब टैक्स वैक्स काट के आप जो है इजीली करीब महीने का 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बचा सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका आवर कितना है, आपका बेसिक क्या है, आपका आवर कैसा है, कंपनी में अगर आप हैं तो ओवर टाइम है कि नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूटी है कि नहीं, वो सब भी डिपेंड करता है। लेकिन मैंने देखा है कि मिनिमम वेज पे भी लोग जो काम करते हैं ना दोस्तों, वो 1 से 1.5 लाख 2 लाख महीने के बचा लेते हैं, ये इजी है। हाँ, 4-5 लाख 6 लाख नहीं बचा पाते हैं, ये एक ख्याली पुलाव है और ये इतना आसान भी नहीं है। ज़िंदगी तो बेहतर हो जाती है दोस्तों कनाडा में आने के बाद, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि देखिए जाहिर सी बात है, पैसा बढ़िया है, 2 पैसा अच्छा है, तभी कोई कनाडा आता है, नहीं तो क्यों आएगा। और 95% लोगों का यही दिमाग में रहता है कि हम दिमाग में मत कहिए, 95% लोग यहाँ आके PR ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, 5 ही% हैं जो स्टडी करके वापस जाते हैं। कि चूँकि मैं वर्क वीज़ा में आ गया तो मेरा इजीली सब कुछ हो गया, और कंपनी में एक्स्ट्रा ड्यूटी भी चलता है, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी अच्छा पैसा मिलता है उसका भी, तो आदमी अच्छा पैसे बना लेता है। यहाँ पे खर्चा क्या लगता है, अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वीडियो चेकआउट कीजिएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एक महीने का खर्च कितना आता है उस। चूँकि मैंने कई बार वो चीज़ें बता दिया है, कोई ख़ास खर्चा भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, खर्चा करने वालों के लिए बहुत है। अब डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से हो, अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च करने वाले हो तो भाई साहब वो आपके लिए कम पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि अच्छी खासी ज़िंदगी हम लोग जी लेते हैं, बिंदास कोई टेंशन नहीं रहता है, और अच्छे पैसे भी बचा लेते हैं, जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा से निकल जाता है। और दोस्तों मैंने भी प्लान किया है कि PR लेने के बाद ही बच्चों और फैमिली को यहाँ लेके आऊँगा। चूँकि ये बातें जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PR लेने के बाद गवर्नमेंट की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाती है, एक बच्चों का जो चाइल्ड केयर बेनिफिट जो मिलता है वो भी मिलना शुरू हो जाता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई तो फ्री है, ये है 18 साल तक, उसके बाद अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो उस हिसाब से $500, $600, $400, ये इस हिसाब से बच्चों का भी पैसा भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो भी गवर्नमेंट की बेनिफिट है वो PR लेने के बाद और इजी और आसान हो जाता है। तो मैंने प्लानिंग किया है कि आफ्टर PR ही हम प्रोसेस करेंगे ये, और यकीनन ज़िंदगी तो बहुत सुधर ही जाती है दोस्तों, जो भी कनाडा आता है ज़िंदगी सुधर जाता है। हाँ, हम स्टूडेंट वीज़ा में नहीं हैं, हम वर्क वीज़ा में आए हैं, तो हमारी ज़िंदगी और जल्द सुधर गई, क्योंकि हमें नौकरी ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए हमें नौकरी मिल गया, तो हम तो आए और आते ही पैसा कमाना शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसमें जो है ना, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि लाइफ तो डेफिनेटली बेहतर हो ही जाती है कनाडा में आने के बाद, और ये ज़िंदगी का एक कड़वा सच है। हेलो, तो ये एक ज़िंदगी का कड़वा सत्य है दोस्तों, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी पैसे से ही होता है जी, 99% आपने दिल से पूछिएगा, बेहतर ज़िंदगी पैसे से ही होता है, ख्याली पुलाव और मन की बातें से नहीं होता है जी। तो आज मैं सोचा था कि यही बातें पर चर्चा करें कि कनाडा आने के बाद लोगों की लाइफ स्टाइल कितनी चेंज हो जाती है। तो ये एक सत्य है, बेहतर लाइफ हो जाता है, आप बेहतर पैसा कमा लेते हैं, और चूँकि हम वर्क वीज़ा में हैं तो हमने पैसा अच्छा सेव कर लिया है, तो बहुत जल्द ही हम आगे के अग्रसर पे काम आगे कर रहे हैं, और ऊपर वाले की दुआ रहा तो बहुत जल्द ही मकान लेने की हम सोच रहे हैं, तो वो पूरी प्रोसेस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही सब हाल है, आपकी ज़िंदगी तो वाकई में बेहतर हो जाती है कनाडा आने के बाद, चूँकि आप पैसा ज़्यादा कमाने लगते हो तो ज़िंदगी उस हिसाब से चलने लगती है, आपका काम के हिसाब से, आपकी हॉबीज,
आपके रहन सहन सब कुछ चेंज होता रहता है जी। तो ये सब चीज़ें पैसे से ही संभव है। तो मुझे लगता है कि पैसे का अहम रोल है और कनाडा आने के बाद यकीनन ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।